वैसे तो सोप यानी कि साबुन हमारी स्किन की नमी छीन लेते हैं, हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो कम्प्लीटली स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। ये मैं वो साबुन की बात कर रही हूँ, वो सोप्स की बात कर रही हूँ जो रेडीमेड मिलते हैं, उनमें भरपूर केमिकल्स होते हैं। लेकिन अगर आप वही सोप नेचुरल इंग्रेडिएंट से घर में बनाओगे तो ये आपकी स्किन को नमी देते हैं, उल्टा येस आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही वैसे होते हैं, और आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, आपकी स्किन को निखार सकते हैं, स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, आपके रंग को साफ कर सकते हैं, टैनिंग को दूर कर सकते हैं और आपकी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ राबिया और आज ऐसे ही एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग, स्किन ग्लोइंग होममेड सोप की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है गाइस, प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टिक करें, वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, लाइक कर लोगे तो आपके पास वो एक तरीके से सेव भी हो जाता है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ में। नेचुरल रेमेडी है, सबको ये फायदा पहुंचा सकती है। इसकी इंग्रेडिएंट्स बहुत खास है गाइस। सबसे पहले आपको लेना है ऑरेंज पील, आपको कम से कम एक से दो संतरा इसमें लग जाएगा, अच्छे बड़े मोटे छिलके वाले जो संतरे होते हैं उसका यूज़ करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का कंटेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग पावर होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संतरे के छिलकों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, ये व्हाइट वाला हिस्सा है ये, इसमें कोई गुण नहीं होते, इसको कम्प्लीटली अलग कर देना है। उसके बाद में आपको एक पैन में दो ग्लास पानी डालना है और इसको आपको बॉईल कर लेना है, जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसको गैस से निकाल लेना है, इसमें ये संतरे के छिलकों को डाल देना है, कम से कम एक से दो घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखना है। एक से दो घंटे के बाद में जो संतरे का छिलका है ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको इसको मिक्सर जार में डालना है और फिर इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। यस, ग्राइंड कर लीजिए संतरे के छिलकों को पानी समेत। ये जो ऑरेंज पील का नेचुरल एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहा है ना, इसमें स्किन की ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी है, विटामिन सी है, इसमें स्किन की लाइटनिंग प्रॉपर्टी है, स्किन को ये आपके रंग को ये निखारने की ताकत रखती है। इसको अब आप साइड में रखें, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे केसर, क्योंकि गाइस ये नेचुरल स्किन फेयरनेस प्रॉपर्टी रखता है, तो ये आपकी स्किन को आपके रंग को निखारने के लिए, टैनिंग को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो डेफिनेटली आप इसके जगह पे हल्दी पाउडर यूज़ करें, मैं दोनों यूज़ करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे दोनों की गुडनेस अच्छी लगती है और दोनों के काम सेम भी है और कुछ हद तक अलग अलग भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपकी स्किन से पिगमेंटेशन दूर करता है, दोनों आपके रंग को निखारता है, दोनों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, दोनों आपके स्किन को ग्लोइंग बना सकता है। एक थोड़ा सस्ता है, एक थोड़ा ज़्यादा महंगा है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें डालना है 3 से 4 चम्मच ग्लिसरीन की, 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल की। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो ऑरेंज पील का एक्सट्रैक्ट हमने तैयार किया था उसको और इसको, ये दोनों को साथ में अच्छी तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। ये है आपका होममेड नेचुरल सोप के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर, इसको अब आप साइड में रख दीजिए, ये रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका सोप बेस लेना है, आपको कोई भी सोप बेस लीजिए, या तो आप जो गोट मिल्क का सोप बेस होता है वो यूज़ करें, 100% नेचुरल होता है, गोट मिल्क से बनाया जाता है, गोट मिल्क में स्किन वाइटनिंग उसकी खूबी होती है, तो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज चाहते हो तो वो यूज़ करें। अगर आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप जो पेयर्स का सोप होता है वो यूज़ कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे, ग्रेट करके उसको डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लीजिए। अब मेल्ट करने के बाद ये दोनों चीज़ें जो हमने रेडी करके रखी है वो आप इसमें इस सोप में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको अच्छे से एकदम ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से इसको स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको लेके आप क्या करेंगे पता है, बड़े नहीं एकदम छोटे छोटे कंटेनर्स में आप इसको डालें, या इस तरीके से सिलिकॉन मोल्ड में आप इसको डालें, लेकिन छोटे छोटे, वन टाइम आप जितना सोप यूज़ करना चाहते हो उतनी ही क्वांटिटी आपको इसमें डाल के रखनी है, ठीक है। और फिर इसको आप फ्रीज़र में ही रखें, हमेशा इसको फ्रीज़र में ही रखें, आप इसको रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ना रखें, डेली आप एटलीस्ट नहाते तो हो गई, जब आप नहाने जा रहे हो उसमें से एक सोप निकाल लो और चले जाओ नहाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ जो सोप रेडी हुआ है गाइज़,
ये वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग सब कर सकता है, टैनिंग रिड्यूस कर सकता है, आपके रंग को साफ कर सकता है, ये आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो, ये आपके चेहरे की रंगत को भी निखार सकता है, कॉम्प्लेक्शन को आपके इवन कर सकता है, ब्राइटन अप कर सकता है फेस के लिए। ये एक्चुअली में एक स्किन फेयरनेस सोप है, ठीक है। आपने पहले कभी देखा होगा, पहले एक ऐसा सोप आता था, छोटा सा सोप आता था इस तरीके का, ये वाला, इसमें अमोनिया होता था एक्चुअली, और ये स्किन को ज़्यादा फेयर कर देता था, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आपकी स्किन को डैमेज करता है। इंस्टेंट फेयरनेस देता है लेकिन डैमेज करता है। ये वैसे ही सोप है गाइस, लेकिन इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, उल्टा जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन इससे लाइट ब्राइट निखरती रहेगी, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर होती रहेगी। चाहे आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो, छाइयाँ हो, या आपकी स्किन टोन अनइवन हो, ये सबका केयर कर सकता है। या आप अपने फेस पे भी अच्छी तरीके से लेकर रब कर सकते हो इस तरह से, अपने पूरे हाथों पे, अपने पैरों पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, बस उसको लेकर अच्छी तरीके से रब करें। झाग भी बहुत अच्छा पैदा करेगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन को क्लेंस करेगा, डर्ट इंप्यूरिटीज को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, रंगत को निखारेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करेगा, ग्लोइंग बनाएगा आपकी स्किन को। एक दिन में आप एक ही सोप यूज कर सकते हो, अगर ये बाहर रह जाता है तो वही दिन में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, दूसरे दिन आप दूसरा सोप निकाल सकते हो। इस तरह से पूरे एक महीने का बैच आप एटलीस्ट बना के रख सकते हो। विद इन फ्यू डेज आप देखोगे, फ्यू डेज भी छोड़ो, एक से दो बार ही अगर आप अपने स्किन में इसको रब करते रहोगे, देखोगे ना एक बार में आपकी स्किन की जो सारी गंध है, सारे मैल है, सारी टैनिंग है, वो रिड्यूस होते हुए दिखेगी, आपको निकलते हुए दिखेगी इसके साथ में ही। ये इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स इतने खास है गाइस। ये पावर इसको मिलता है हल्दी से, ये पावर इसको मिलता है ऑरेंज के पील से, जो नेचुरल लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट। कभी कभी कैसे ये जो रेडीमेड आप सोप्स यूज़ करते हो, उसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ड्राई दिखती है, रूखी सूखी बेजान लगने लगती है, इससे उल्टा होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी दिखेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग भी दिखेगी, आपकी स्किन लाइटन भी दिखेगी, आपकी स्किन ब्राइटन भी दिखेगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको एक साथ ये सिंपल से सोप से मिल सकते हैं गाइस, 100% नेचुरल है। अगर आप वो पेयर सोप की जगह गोट मिल्क सोप यूज करोगे तो एकदम ही 100% नेचुरल सोप, DIY आपका होममेड एकदम वाइटनिंग ये फेयरनेस सोप बन जाएगा। इसको प्लीज एक बार बना के यूज करके प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसको बना के, ताकि लोगों को भी पता चले, और जितना आप यूज करोगे, जितने लोग यूज करेंगे, घर बैठे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगी, बिना कोई पैसे खर्चा किए, बिना अपनी स्किन को डैमेज किए, बिना कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज किए, और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की ताकत को समझ के आप अपने लाइफ में इसको यूज करना शुरू करो। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देते हैं, लेकिन 100% इफेक्टिव होते हैं, सेफ होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, कोई डैमेज नहीं देते, साइड इफेक्ट्स फ्री होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको आप जरूर बना के यूज करोगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से सारे नेचुरल आपके जो नुस्खे हैं मैं लेकर आते रहूंगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक दिन दूर करके ही रहूंगी। तब तक के लिए गाइस प्लीज अपना ख्याल रखें, आई लव यू, बाय बाय गाइस।